वेलकम बैक क्लास सेवन। लेट स्टार्ट विथ सब्जेक्ट साइंस। क्लास सेवन लेट चैप्टर फर्स्ट, ठीक है। टॉपिक आपका क्या है? अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, ठीक है। इन दिस चैप्टर यू सी लेक्चर सेवन है आपका। इन प्रीवियस लेक्चर यू स्टडीड अबाउट सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। इसके पहले आपने देखा था कि प्लांट जो फूड सिंथेसिस करता है वो कार्बोहाइड्रेट, तो अदर देन कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के अलावा वो क्या फूड बनाते हैं, ठीक है। नाउ टुडे वी स्टार्ट विथ अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब प्लांट जिस मोड में न्यूट्रिशन अपना लेता है, तो कुछ अदर मोड भी है न्यूट्रिशन लेने का उसका, कुछ और भी तरीके हैं जिससे कि वो फूड अपना फाइंड करता है, अपना फूड लेता है। सो देखिए, अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, प्लांट में न्यूट्रिशन का कोई अदर मोड, कोई अदर प्रोसेस, जिसमें कि देखिए फर्स्ट देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, ठीक है। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, बहुत सारे प्लांट ऐसे जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, और उनकी लीफ जो है अदर देन ग्रीन कलर होती है, ग्रीन कलर के अलावा अलग कलर में होती है, कुछ ब्राउन में होती है, कुछ येलो में होती है, एंड दे कैन नॉट सिंथेसिस द फूड, और वो अपना फूड नहीं बना पाते। जब क्लोरोफिल ही नहीं है, क्लोरोफिल ही नहीं है, तो स्टूडेंट्स अपना फूड कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए सेकंड पॉइंट, लाइक ह्यूमंस एंड एनिमल्स सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड। जैसे कि ह्यूमन और एनिमल, जो ह्यूमन और एनिमल है सच अपना फूड दूसरे से लेते हैं, उसी तरह से सच प्लांट, कुछ प्लांट भी ऐसे हैं जो डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट, कुछ प्लांट भी ऐसे हैं जो दूसरे प्लांट पे डिपेंड करते हैं, दूसरे प्लांट पे निर्भर रहते हैं, वो दूसरे प्लांट से फूड ऑब्टेन अपना करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, दे यूज द हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो दूसरे पर निर्भर रहते हैं या दूसरे से हम फूड अपना फाइंड करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको हम क्या कहते हैं, हेटरोट्रॉफिक। तो हेटरोट्रॉफिक का मींस दूसरे से हम फूड लेते हैं, ये प्रोसेस हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है, ये मोड हेटरोट्रॉफिक। और जो प्लांट होते हैं जो दूसरे से लेते हैं अपना फूड, ठीक है, उनको हम कहते हैं हेटरोट्रॉप्स प्लांट, हेटरोट्रॉप्स प्लांट, हेटरोट्रॉप्स प्लांट, ठीक है। तो जो प्लांट दूसरों से या दूसरे प्लांट से अपना फूड लेते हैं, तो उनको हम कहते हैं हेटरोट्रॉप्स प्लांट, ठीक है। और ये प्रोसेस, ये जो मोड है न्यूट्रिशन का, ये हेटरोट्रॉफिक मोड है, ठीक है। इसमें हेटरोट्रॉफिक है, ठीक है, और जो प्लांट है तो हेटरोट्रॉप्स है। तो देखिए, दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन। तो जब उनके पास क्लोरोफिल नहीं रहेगा, तो हाउ डू दे सर्वाइव, वो सर्वाइव कैसे करेंगे, सर्वाइव करने के लिए कुछ चाहिए उनको, एनर्जी कहां से मिलेगी उनको, तो हाउ डू दे सर्वाइव फ्रॉम वेयर दे ऑब्टेन देयर फूड, ठीक है, फ्रॉम वेयर दे डू दे डिराइव न्यूट्रिशन।
कहां से अपना न्यूट्रिशन बोलेंगे। लाइक ह्यूमन एंड एनिमल्स जो हमने बताया इस तरह से प्रोड्यूस बाय अदर प्लांट पे निर्भर रहते हैं और डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस बाय अदर प्लांट दे यूज द हेटरोट्रॉफिक मोड, ठीक ना। अब देखिए ठीक इसी तरह से डू यू सी अ येलो वायरी ब्रांच स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस। आपने देखा है कि किसी दूसरे प्लांट पर येलो कलर का ब्रांच ऐसे वायरी लपेटा हुआ जैसे कि वो होता है, ठीक है, लता की तरह से क्या करते हैं वो क्लाइम कर जाते हैं, ठीक है ना, किसी दूसरे प्लांट पे क्लाइम कर जाते हैं येलो कलर के होते हैं तो वो क्या है स्टेम ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री दिस इज अ प्लांट कॉल्ड कसकुटा और अमरबेल। तो उनकी जो ब्रांचेस हैं वो दूसरे प्लांट पे क्लाइम करके चढ़ जाते हैं, ठीक है, और वो प्लांट येलो कलर के होते हैं तो वो कौन से प्लांट है कसकुटा, ठीक है, कसकुटा प्लांट जिसको हिंदी में अमरबेल कहा जाता है। अमरबेल ऐसा पौधा है जिसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है अपना और वो अपना फूड नहीं बना पाता है, ठीक है, तो वो अमरबेल कसकुटा दूसरे प्लांट पे क्लाइम कर जाता है, ठीक है ना, और क्लाइम कर जाता है और फिर जिस प्लांट पे वो क्लाइम करता है उसी से अपना फूड ऑब्टेन करता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा यू कैन सी अबाउट द प्लांट कसकुटा दैट इज अमरबेल कसकुटा अमरबेल हैव नॉट क्लोरोफिल उसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है एंड टेक फूड ऑन विच क्लाइम और वो फूड ऑब्टेन करता है जिसपे वो क्लाइम कर जाता है जिसपे वो द प्लांट ऑन विच क्लाइम कॉल्ड होस्ट, ठीक है, जिस प्लांट पे कसकुटा प्लांट जिस प्लांट पे वो क्लाइम करता है, ठीक है ना, जिस प्लांट या जिस ट्री पे वो क्लाइम कर जाता है चढ़ जाता है तो उस प्लांट को हम कहते हैं होस्ट, उस प्लांट को हम कहते हैं होस्ट, ठीक है, होस्ट के ऊपर वो चढ़ जाता है क्लाइम कर जाता है, ठीक है, और जो प्लांट क्लाइम करता है जैसे कि अमरबेल क्लाइम कर गया तो उसको कहते हैं पैरासाइट द प्लांट विच क्लाइम कॉल्ड पैरासाइट, ठीक है, तो वो दूसरे प्लांट पे फूड ऑब्टेन करने के लिए दूसरे प्लांट पे क्लाइम कर जाता है तो उसको हम कहते हैं पैरासाइट, ठीक है। There are few plants which can trap insect. बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जो इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं, ठीक है, जो इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं और एंड डाइजेस्ट देम और फिर उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं जैसे कि पीचर प्लांट, ठीक है, पीचर प्लांट देखिए सिंस इट डिराइव deprive the host of valuable nutrients the pitcher कसकुटा is called parasite आरबी एंड अदर एनिमल आल्सो कॉल्ड पैरासाइट, ठीक है, हम लोग भी पैरासाइट, तो यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस पहली वांट टू वेदर लीचेस दैट सक आवर ब्लड एंड आल्सो पैरासाइट। इसी तरह से जो मॉस्किटो है जो बेड बग है वो क्या है वो पैरासाइट है क्योंकि वो हमारे ऊपर आके और ब्लड सक कर लेते हैं तो हमसे उन्होंने न्यूट्रिएंट लिया, ठीक है ना, तो पैरासाइट कहे जाएंगे, ठीक है ना। तो ये क्लियर कर लीजिए कि कोई भी ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड डायरेक्ट लेता है तो वो पैरासाइट होता है, पैरासाइट क्या है, पैरासाइट मीन्स परजीवी। अब देखिए हैव यू एवर हियर्ड प्लांट दैट ईट एनिमल कुछ प्लांट ऐसे हैं जो एनिमल ईट करते हैं, आपने देखा या आपने सुना होगा कि कुछ प्लांट जो है सब इंसेक्ट्स और एनिमल्स को भी अपना फूड बनाते हैं ले लेते हैं। देयर आर अ फ्यू प्लांट व्हिच कैन ट्रैप इंसेक्ट डाइजेस्ट देम देयर आर फ्यू प्लांट बहुत सारे प्लांट हैं जो ट्रैप इंसेक्ट ट्रैप करते हैं कौन से प्लांट हैं देखिए द पिचर प्लांट
the pitcher plant and the benthes. ठीक है, pitcher plant, the benthes are digest the insect by digestive juice. वो इंसेक्ट को अपने डाइजेस्टिव जूस से डाइजेस्ट कर लेते हैं एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट. ठीक है, और ये उनका जो न्यूट्रिएंट है जो इंसेक्ट के लिए डाइजेस्ट करके जो न्यूट्रिएंट मिलता है उसको ये पिचर प्लांट ये नेपेंथीज एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर, उससे एब्जॉर्ब कर लेते हैं जिससे कि उनको न्यूट्रिएंट ऑब्टेन हो जाता है. नाउ देखिए अब क्या, सच इंसेक्ट्स ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट. तो ये जो इंसेक्ट ईटिंग प्लांट है, ये जो इंसेक्ट ईटिंग प्लांट है इनको इंसेक्टिवोरस प्लांट कह जाते हैं. ठीक है ना, इंसेक्टिवोरस प्लांट कीट भक्षी, कीट इंसेक्टिवोरस प्लांट मींस कीट भक्षी पौधे, ऐसे पौधे जो कीटों को अपना भोजन बनाते हैं, इंसेक्ट को अपना भोजन बनाते हैं, तो इसको कहेंगे हम इंसेक्टिवोरस प्लांट. इस तरह से आपने देखा स्टूडेंट अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट. ठीक है, अदर मोड आपने देखा कि प्लांट में जो न्यूट्रिशन है वो कुछ दूसरे तरीके से भी होता है, जैसे कि इंसेक्ट को अपना भोजन बना के. ठीक है, ये भी एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है. तो स्टूडेंट्स टुडे आज के लिए इतना ही. सो थैंक्स फॉर वॉच द वीडियो.